हेलो बच्चों, सो आज शुरू करने जा रहे हैं सिक्स लेक्चर एंड इसमें ये तीन क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिक डिफरेंशिएशन आप लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है, तो उसको यूज करते हुए ये तीन क्वेश्चंस को हम डिफरेंशिएट करके देखेंगे. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. तो पहला ले लेते हैं y इज इक्वल टू log ऑफ 4 अपॉन x. तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब इस तरह से आ जाए तो सबसे पहले आप इसको स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएशन करना शुरू मत कीजिए. प्लीज रिमेंबर y इज इक्वल टू log a अपॉन b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log ऑफ b. सो a वाली जगह पे 4 है, b वाली जगह पे x है. इज दैट ओके? log a अपॉन b का फॉर्मूला क्या है? log a माइनस log b. तो इस चीज को पहले आपने थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दिया ताकि आपके लिए डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाए. सो अब ये और ये चीज सेम है, अब इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं. सो dy अपॉन dx यहां पर, अब log ऑफ ए कॉन्स्टेंट वैल्यू इज ए कॉन्स्टेंट, और केवल अकेले कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है. चलिए डिटेल में लिख देते हैं dy dx किसका? log ऑफ 4 का, और ये कॉन्स्टेंट है. अगले स्टेप पे लिखेंगे इसका रिजल्ट. और log of x का डेरिवेटिव क्या है? ये आपने ऑलरेडी सीख लिया बेटे, विद रिस्पेक्ट टू x इट इज 1 by x. आप यहीं पर लिख सकते थे या d by dx of log x लिख के अगले स्टेप पे लिख देते. खैर, यहां पे log of x, log of 4 जो है मैंने आपको क्या बताया, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी नथिंग बट 0. अगर अकेले कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 और माइनस 1 upon x. तो इसका रिजल्ट आ गया क्यूब. इज इट ओके? y is equal to e raised to the power nx. ठीक है, तो इसको डिटेल में करके दिखाते हैं बेटे. y is equal to e की पावर u, मान लीजिए. ऐसा कब लिखोगे? जब u को क्या माना आपने? nx. और आपको पूछा गया है dy upon dx, तो क्या लिख देना है? dy upon du into du upon dx. Now what is dy upon, चलिए लिख लेते हैं, dy upon du किसका चाहिए? y का. y is nothing but e की पावर u, और इनटू d by dx किसका चाहिए? u का, which is nothing but nx. So e की पावर u विद रिस्पेक्ट टू u, ये u अच्छे से लिख देता हूं यहां पे. ऑलराइट, सो ये आ जाएगा e की पावर u itself. ठीक है, और यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? nx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? n न्यूमेरिकल वैल्यू सामने आ जाएगी, n केवल x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट 1, सो वी नॉट राइट दैट. और इसको आप n को सामने लिख दीजिए, e की पावर u इस तरह से लिख दीजिए. और मुझे बताइए कि u किसको माना था आपने? nx को. तो यहां लिख दीजिए n e रेज टू द पावर nx. ठीक है, सिंपल है. y इज इक्वल टू e raised to the power minus x sin x. ठीक है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन. सो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, प्रोडक्ट है ये दो, यू कैन से e की पावर माइनस एक्स का और sin ऑफ x का. तो इसमें हमें प्रोडक्ट रूल भी लगाना है और बाकी डिफरेंशिएशन बेसिक वाला जो हमने सीखा है वो हमें अपने दिमाग में याद रखना है. सो यहां पर इसको आपने क्या किया, y इज इक्वल टू लिख लिया e की पावर u, और यहां लिख लिया आपने साइन ऑफ x. ठीक है, तो अब ये जरा ध्यान से देखिएगा ताकि स्टेप वाइज, वैसे तो क्या बड़ा इजी, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर तो जल्दी से एक ही स्टेप में इसका आंसर लिख सकते हैं. लेकिन खैर, क्यों इस तरह से लिखते हैं, वो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे आ जाता है वो जरा सीख लेते हैं अच्छे से बेटे. ठीक है, सो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं. ये पहली यूसी फंक्शन और ये दूसरी फंक्शन, इनका आपस में प्रोडक्ट है. तो प्रोडक्ट रूल में हमें पता है dy ओवर dx, पहली फंक्शन ऐसी के ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ दी सेकेंड फंक्शन, फिर सेकेंड फंक्शन ऐसी की ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ दी फर्स्ट फंक्शन. ऑलराइट,
सो यहां पर e की पावर u तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया, और u वाली जगह पे आपको पता है क्या लिख सकते हैं यहां पे, नोट u किसके बराबर है जल्दी बता दो, माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, समझ में आया। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है बेटे, इट इज नथिंग बट कॉस ऑफ एक्स, और यहां पर आपके पास साइन एक्स सामने है और डी बाई डी एक्स आपको चाहिए किसका, e बार u का। अब इसका शॉर्टकट में तो एक ही स्टेप में लिख लेते हैं, लेकिन अब आप जरा ध्यान दीजिए, मुझे चाहिए ये अलग से नोट करते हैं। सपोज कर लो कि अगर मुझे e की पार u का डेरिवेटिव चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अलग से एक मान लीजिए y डैश फंक्शन मान लीजिए, y डैश को e की पार u लिख देते हैं। ठीक है, और u क्या है हमारा, u इज इक्वल टू माइनस ऑफ x है। तो अब मुझे इस पार्ट को डिफरेंशिएट करना ना, e की पार u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सो इसका मतलब मुझे dy डैश अपॉन क्या चीज चाहिए, dx। तो इसको मैं dy डैश अपॉन du इंटू du अपॉन dx लिख सकता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताइए कि d अपॉन du किसका, y डैश का, y डैश क्या है, e की पार u है। ठीक है, और इंटू d by dx किसका, u का, u क्या है, माइनस ऑफ x है। ठीक है, समझ में आ रही बात। सो ये आ जाएगा e की पार u विद रिस्पेक्ट टू u, डिफरेंशिएट करेंगे अगर तो ये केवल e की पार u आ गया, और यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा जल्दी बता दो, माइनस वन तो नहीं, अगर x होता तो उसका डेरिवेटिव क्या होता बताओ, वन होता विद रिस्पेक्ट टू x है ना, और अगर माइनस सामने लगा है तो माइनस वन बन जाएगा। सो इसको आप लिख सकते हैं माइनस वन, यानी सामने इसको सामने ले गए तो माइनस वन इंटू e की पार u विल बी माइनस आगे e की पार, अब u वाली जगह पे बच्चे क्या लिखते हैं जल्दी बोलो, माइनस x लिखते हैं, तो ये माइनस x लिखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए हमें यहां पर डी बाई डी एक्स किसका चाहिए था, e की पार u का, सो डी बाई डी एक्स किसका है, e की पार u का, और कितना है ये है इज दैट ओके। तो अब यहां पर हम ये लिख देंगे इस जगह पे, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई, ये वाली चीज की पूरी एक्सप्लेनेशन यहां पर मैंने लिख दी। सो ये स्टेप यहां पे लिख देते हैं बेटे, आप ध्यान दीजिएगा, इसको ब्रैकेट लगा के रखिए, चाहे तो cos x सामने ले लीजिए, लेकिन cos x सामने भी ले लिया तभी ब्रैकेट लगा के रखिए। सो इसको यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि u की जगह पे क्या लिखूं, माइनस एक्स आगे cos ऑफ x, यहां sin ऑफ x, और e की पार u का डेरिवेटिव क्या है, यू कैन राइट e की पार u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा ये कितना, माइनस e रेज टू दी पार माइनस x। ठीक है, तो ये हो गया, इसके बाद इसको मैं रब कर रहा हूं और इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, यानी कि यू विल बी गेटिंग व्हाट, कॉस एक्स e की पावर माइनस एक्स, यहां ये वाला माइनस सामने ले आते हैं, सो वी राइट साइन ऑफ एक्स e रेज टू दी पावर माइनस एक्स। तो ये कंप्लीट हो गया। सो तो ये कुछ सिंपल केसेस, ये जो सिक्स लेक्चर था हमारा, इसको करके हम लोगों ने लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन में जो जरूरत पड़ती है वो कुछ सिंपल चीजें हमने देखी, आगे भी आप इसको देखना, इसको इस्तेमाल करना, ऑल दीज थिंग्स विल बी वेरी हैंडी, बहुत आपके काम में आएंगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जनरल टॉपिक डिफरेंशिएशन का, उसमें फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन से कितना ज्यादा फायदा मिलता है वो आपको बताएंगे, और वो डेफिनेटली आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और होप ये सब भी आपको, ये लेक्चर भी अच्छा लगा, और अगले लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग चीजें लेके आपको फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।